नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के बरला पहुंचे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद का बरला में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा पिछले कई वर्षों से समाज के दबे कुचले लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बड़े अभियान चला रहा है और बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम पसमांदा समाज को लेकर मुख्यधारा से जोड़ने और राजनीतिक नेतृत्व देने की बात कही है, तब से हमको इसमें बहुत अपार सफलता मिल रही है। आज उन्हीं प्रधानमंत्री के संकल्प को लेकर पसमांदा मुस्लिमों के बीच स्नेह मिलन यात्राएं और इनको राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ जोड़ते हुए, इनको आर्थिक और शिक्षण क्षेत्र में जोड़ते हुए जो हमने काम शुरू किए हैं, उसी विश्वास को अर्जित करने के लिए आज मुजफ्फरनगर आगमन हुआ है। क्या बात है, देखिए राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महा पिछले कई वर्षों से पसमांदा मुस्लिम समाज के दबे कुचले शोषित और पीड़ित लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बड़े अभियान चला रही है, बड़ा कार्यक्रम कर रही है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के पसमांदा समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने और राजनीतिक नेतृत्व देने की बात की शुरुआत करी है, तब से हमको इसमें बहुत अपार सफलता मिल रही है। आज उसी प्रधानमंत्री जी के संकल्प को लेकर के पसमांदा मुसलमानों के बीच में स्नेह मिलन सम्मान यात्राएं और इनको राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ जोड़ते हुए इनको आर्थिक और शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो हमने काम शुरू करा है, उसी विश्वास को अर्जित करने के लिए आज हम मुजफ्फरनगर जिले आए हैं। कल सहारनपुर थे, आज मुजफ्फरनगर। ये एक स्नेह मिलन प्रोग्राम था बरला में, हमारे जो पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका यहाँ स्वागत किया गया, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ उनका स्वागत किया। लगभग कितने लोग आसपास से मौजूद रहे? यहाँ पर भीड़ इकट्ठा न करके जो क्षेत्र के प्रधान नेतागण मौजूद लोग हैं जो मुस्लिम समाज के, उन्हें बुलाया गया खासतौर पर। तो उन लोगों को जो हमारे मुस्लिम समाज में भाजपा को लेकर गलत भ्रमित स्थितियाँ फैली हुई हैं, उनको समझाने का काम किया। इसमें सिर्फ नेतृत्व वाला लोगों को बताया गया।